नमस्कार, मैं हूं निशी शर्मा। स्वागत है आपका जनप्रभात में। बेहतर मार्ग क्षमता के लिए जाने जाने वाली AK-47 अब नए अवतार में दिखेगी। इसको अपग्रेड करने का काम भारतीय रक्षा क्षेत्र की कंपनी करेगी। इससे AK-47 और आसानी से काम करेगी। बेंगलुरु की SSS डिफेंस ने अपने प्रतिद्वंदी इसराइल को गोली में पछाड़कर यह कार्य हासिल किया है। पिछले कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आया है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का असर अब दिखाई देने लगा है। भारतीय रक्षा कंपनियां कई विदेशी कंपनियों को पछाड़कर खुद को स्थापित कर रही हैं। इसी के तहत भारतीय सेना की AK-47 असॉल्ट राइफल को अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेडेड के कार्य को पूरा करने के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनियों में बेंगलुरु की SSS डिफेंस सामने आई है। इस रक्षा कंपनी ने प्रतिद्वंद इसराइल को बोली में पछाड़ दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4 साल पहले स्थापित हुई SSS डिफेंस भारतीय सेना की AK-47 असॉल्ट राइफल को अपग्रेड करेगी। बता दें कि AK-47 भारतीय सेना का बुनियादी हथियार है। स्वदेशी फार्म इस हथियार को अपग्रेडेड करेगी। इससे AK-47 और आसानी से काम करेगी। अभी यह कंपनी छोटी संख्या में AK-47 को अपग्रेड करेगी। बाद में इसे ऑर्डर भी मिल सकते हैं। बेंगलुरु की SSS डिफेंस छोटे हथियारों और गोला बारूद का निर्माण करती है। इसी कंपनी ने ही भारतीय सेना के लिए क्लाश्विकोर राइफल को अपग्रेड किया था। अधिकारियों का कहना है कि SSS डिफेंस दक्षिणी पश्चिम कमान की 24 AK-47 राइफल को अपग्रेड करेगी। अगर यह अपग्रेडेशन सटीक साबित हुआ तो कंपनी को और बड़े ऑर्डर भी मिल सकते हैं। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि AK-47 भारतीय सेना की एक बुनियादी हथियार है। अधिकारियों का कहना है कि SSS डिफेंस भारतीय सेना के इस हथियार को और भी ज्यादा खतरनाक और काम करने में आसान बना देगी। इस अपग्रेडेशन में टैक्टिकल फ्लैशलाइट, लेजर लाइट, फ्लैश हेडर, डस्ट कवर, हैंड गार्ड व कई तरह के ग्रिप भी शामिल हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।